आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मेडिकल स्थित पिंसनहारी मड़िया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोक्ष मानव सेवा समिति और गेबीनाथ समिति के तत्वाधान में प्रथम वर्ष मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली टीम को 26,000 और तृतीय टीम को 11,000 की राशि रखी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर सिंह, अनु विधायक तरुण भनोट, आशीष ठाकुर, राजीव बेटिया, अनिल बड़कुल सहित समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नीचे रखी मटकी को महापौर जगत बहादुर अनु सिंह के आंख में विधायक तरुण भनोट के द्वारा पट्टी बांधकर मटकी फोड़ को फोड़ा गया। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न टीमों ने भाग लिया। रात करीब 3 बजे माझी व्यायामशाला की टीम ने ऊपर बंधी 51 फीट की मटकी को फोड़ा गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत भी किए गए। ये कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है उपनगरी क्षेत्र पिछनारी मड़िया में। विगत 10 वर्षों पहले यहाँ मटकी फोड़ का आयोजन किया गया था पिछनारी मड़िया में, उस समय के बाद कभी ऐसा कोई आयोजन हुआ नहीं और विगत वर्षों में भी कैसे ऐसे कोई महाआयोजन नहीं हुआ जिसमें समस्त परिवार के लोग आमजन शामिल हो सके। इसकी जानकारी और काफ़ी समय से वेदना लेते हुए हम लोगों ने प्रण किया, जिसमें व्यापारी संघ पिछनारी मड़िया, गेबीनाथ ट्रस्ट और मुख्य सेवा संस्थान ने यह प्रयास करते हुए इस आयोजन को प्रारंभ किया और निश्चित रूप में बड़ी बधाई के पात्र सारे लोग इसलिए हैं कि क्षेत्रजनों ने खुद आकर आगे सहयोग किया। एक बार के कहने पर बिना किसी लोग यहाँ आमंत्रित हुए, एक बार के संदेश में लोग हुए, परिवार में महिलाएं बच्चों ने आकर यहाँ पर भाग लिया है और पहली बार हमने कार्यक्रम किया और पहली बार में हम बच्चा देख रहे हैं यहाँ कई सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। आने वाले समय में यह भाईचारा बना रहे और यह कृष्ण जन्मोत्सव जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता है, मुख्य रूप से सभी दल के नेता प्रतिपक्ष हो, अन्य दल के नेता हो, चाहे महापौर जी हो, क्षेत्र विधायक हो, पूर्व महापौर श्री बाबू जी हो, तरुण मनोहर जी हो, हर जो पार्षद हैं चाहे भाजपा दल के हों, कांग्रेस दल के हैं, वो सारे लोग यहाँ आकर उपस्थित हुए। इसका मुख्य कारण, एक मुख्य उद्देश्य एक धारा में जोड़ने का है समाज को, सामाजिक कार्यक्रमों में सबको साथ लेकर सबके साथ रहकर ये कार्य करने का मटकी फोड़ का आयोजन किया गया था, जो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो रहा है। लगभग कितनी समितियाँ इसमें सम्मिलित हो रही हैं? अभी यहाँ पर मुख्य रूप से जो ऊपर वाली मटकी है उसको फोड़ने के लिए मुख्य जो 4 समितियाँ हैं हमारे यहाँ माझी धर्मशाला वगैरह, उनको आमंत्रित किया गया, जिसमें एक समिति शहर के बाहर है, बाकी लोग उपस्थिति देंगे। और क्षेत्रीय बच्चों के लिए हमने जमीन पर भी मटकी फोड़वाई, जो 15 साल से कम आयु के लोग थे, 15 साल से अधिक आयु के लोग।